let's all pray for this picture. Nanak naam jahaz hai. ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ 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 ਬੜੀ ਹਿੱਟ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਲਰ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ. ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਪਿਕਚਰ ਹੈ, ਸ਼ੌਕੀਨ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ. ਦਿਸ ਮੂਵੀ ਵਾਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਫਸਟ ਇਨ 1969 ਟੂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਦ 500th ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ. ਇਟਸ ਕਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ. ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਗ੍ਰੇਟ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਰਾਜੂ ਜੀ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਸਟੋਰਡ ਦ ਪ੍ਰਿੰਟ and with all color corrections and everything so that people today can enjoy the movie. And I think it's a great thing that 46 years later somebody has had the impetus of doing this, and I think it's a great cause to do it, and my congratulations to everybody. Raju Chadda, Rahul Mitra, Wave Cinemas dobara cinema premiyon ke liye la rahe hain. Film ki jo yaad mere dimag mein hai, मेरे माता पिता ने ये फिल्म देखी थी बहुत साल पहले, और मुझे याद है कि सिनेमा के अंदर लोग जूते पहनकर भी नहीं गए थे, नंगे सर भी नहीं गए थे फिल्म देखने के लिए. इतनी श्रद्धा, इतना सम्मान इस फिल्म के प्रति, इस फिल्म के अंदर दर्शाई गई भावनाओं के प्रति, धार्मिक सीन्स के प्रति. ये मेरी स्वर्गवासी माँ की फेवरेट फिल्म है, नानक नाम जहाज है. जब भी नानक नाम जहाज लगती थी तो लोग थिएटर के बाहर चप्पलें उतार के अंदर देखने जाते थे. तो मैं ये नहीं चाहता कि आज लोग ये करें, बट मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आज की जनरेशन भी ये देखे और समझें और इससे कुछ सीखें, बिकॉज दिस इज़ एन एपिक फिल्म. सालों साल उतरती नहीं थी ये फिल्म. लकीली आई विल बी एबल टू सी इट ऑल्सो. 65 की फिल्म में तो मैं तो शायद मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, बट इस बार ज़रूर देखने का मौका मिलेगा. एंड हमारे लिए इनसे ज़्यादा खुशी की बात नहीं है कि 3 दिन पहले बेटे की फिल्म रिलीज़ हुई हो और 7 दिन बाद मम्मी की लग रही है.